अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो क्योंकि मेरे से सवाल पूछा गया कमांड स्टेटमेंट्स और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या इंटरोगेटिव क्वेश्चन जो हैं इनको कैसे सेपरेट किया जाए, यानी कि क्या क्लासेज, यानी कि क्या पहचान होती है, तो इसको आज के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। जैसे कि ये बॉक्स है, इसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट्स टेल्स अस समथिंग। जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो ना तो हमारे एक्सप्रेशन को शो करती हैं, ना ही उनमें कोई सवाल पूछा जाता है और ना ही कोई काम करने का हुक्म दिया जाता है। इनमें सिर्फ एक चीज़ जो है उसको कन्वे किया जाता है, कुछ बताया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से कमांड्स जो होती हैं उनको कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है बाकी जो है जुमलों से। कमांड्स में जनरली जो है हमें कुछ ना कुछ करने के लिए कमांड दी जाती है, हुक्म दिया जाता है, डिमांड की जाती है कि इस नीड को पूरा किया जाए या इस सेक्शन पर अमल किया जाए। तो जैसे कि टेल मी योर नेम, या फिर इसमें जो हमारे पास नीचे लिखी हुई हैं इनमें से हम ढूंढते हैं कमांड, जैसे डू योर होमवर्क इन टाइम, इसमें कहा जा रहा है कि अपने काम को वक्त पर करें, तो ये भी एक तरह से कमांड है। उसके बाद आते हैं इंटरोगेटिव, जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें ज़्यादातर, बल्कि ज़्यादातर नहीं, इंटरोगेटिव क्वेश्चंस में पूछा ही सवाल जाता है जिसका आंसर रिक्वायर होता है हमें, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर इज़ योर बुक, हाउ आर यू, जिनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इनमें एक्चुअली हम फीलिंग्स शो करते हैं, फीलिंग हमारी जो है इस स्पेक्ट्रम में हम बात करेंगे, दुख हो, खुशी को, सरप्राइज, हैरत अंगेजी को, जैसे वाओ, यू एक्चुअली केम, और इस तरह से इसमें अगर एग्जांपल जैसे हमें दी गई हैं वो वी वॉन द गेम, इसमें जो है आई हैव वॉन द गेम, ये भी इसकी एक एग्जांपल है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें और जो एग्जांपल्स दी गई हैं, आई एम सो एक्साइटेड टू गो टू मई, ये जो है इसकी एक और एग्जांपल है। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम सेपरेट कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इनकी।